नमस्कार दोस्तों, मोरर गुस्तव चैनल में यूट्यूब पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज धनतेरस का कुछ खास आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुनेंगे तभी आप पता चलेगा कि वो खास चीज़ क्या है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आज तक आप लोगों ने नहीं किया होगा। देखिए दोस्तों, धनतेरस में दो चीज़ें की पूजा करते हैं, एक कुबेर लक्ष्मी धन प्राप्ति के लिए, दूसरी यम दीपदान अल्पायु से बचने के लिए और अकाल मृत्यु से बचने के लिए। यम दीपदान के मतलब होता है कि धनतेरस के दिन सामान की खरीदारी करके घर में दीप का जला करके और अपने दरवाजा के बाहर यम दीप रखा जाता है, जिससे आपकी अकाल मृत्यु और अल्पायु में बचाव होती है। लेकिन धनतेरस में सबसे खास बात यह है कि जो आप खरीदारी करते हैं वो कितना शुभ है आपके लिए, कितना अशुभ है, इससे आप अवगत नहीं हैं। आज आपको सत्य ही पता चलेगा कि क्या शुभ है क्या अशुभ है। दोस्तों, धनतेरस में अधिकांश लोग कुछ न कुछ खरीदते हैं, लेकिन शुभ है सोना चांदी, पीतल का बर्तन, बर्तन, धनिया और झाड़ू अधिकांश लोग खरीदते हैं, ये बिल्कुल शुभ भी है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसी शौक है, कुछ लोगों के पास पैसे की कमी है, जिसके लेकर के जाने अनजाने वो शनि राहु को भी घर में ले आते हैं। वो शनि राहु का क्या चीज़ें हैं वो आज जरूर जाने, जिसे आपको खरीदना बिल्कुल नहीं है। स्टील का वस्तु बिल्कुल नहीं खरीदना है, अल्मीनियम की वस्तु बिल्कुल नहीं खरीदना है, लोहे की वस्तु बिल्कुल नहीं खरीदना, नुकुली आधार तार जैसे कैंची सुई बिल्कुल नहीं खरीदना, चीनी मिट्टी का कोई भी सामान नहीं खरीदना, मिलावटी चीज़ें जैसे घी तेल बिल्कुल नहीं खरीदना, कांच का बर्तन बिल्कुल नहीं खरीदना है और काले रंग के चीज़ें भी बिल्कुल खरीदना नहीं है, क्योंकि ये सारे शनि राहु से रिलेटेड है। अगर आप कुबेर लक्ष्मी के साथ शनि राहु भी ले आएंगे तो उसकी आपको पूर्ण फल नहीं मिलेगा, धनतेरस आपका बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। अब है दोस्तों उस खास चीज़ का जिसका आपको इंतज़ार है, जो आज तक आपने नहीं किया होगा। ये सुनने के बाद बहुत आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और इसे करना बिल्कुल ना भूलेंगे। दोस्तों, जो भी आप बर्तन खरीदते हैं पीतल का, उसे खाली घर बिल्कुल नहीं लेके आना है, खाली बिल्कुल घर नहीं लाना है, उसको भर करके लाना है। उसे चावल से भरें, चीनी से भरें, धनिया से भर के लाएं, जो भी है गंगा जल भर के लाएं, पानी भर के लाएं, लेकिन उसे बाजार से घर खाली लेके नहीं आना है, तभी धनतेरस कुबेर लक्ष्मी का आपको सही फल मिलेगा। दोस्तों, ये आपको स्पेशल बताया जा रहा है क्योंकि आप लोग हर धनतेरस में कुछ न कुछ गलती कर बैठते हैं। इस बार धनतेरस में बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। जो मैं बताया हूँ, सामान खाली घर नहीं लेके आना है तो बिल्कुल नहीं लेके आना है। ये वीडियो कैसा लगा, मेरी मैसेज आप तक जाने का कैसा लगा, इसे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। सब्सक्राइब ना करना भूलें और कमेंट लिखना भी ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरे नए वीडियो सत्यता के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा जो आपके लिए लाभप्रद है। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।